scripture and goes to Deuteronomy number 32. आदाब, मैं हूँ जावेद सैयद। एक जगह पर जहाँ बात होती है जॉब जिहाद की, पिछले ही दिनों मैंने एक स्टोरी की थी जो जॉब जिहाद को लेकर 20 से 30 जूडो जो कोच थे उनको नौकरी से निकाल देने में आता है। वहीं पे एक 28-29 बरस का लड़का जो स्टेट खेलता है, गोल्ड मेडल है, बात करेंगे उनसे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पठान नईम है, मैं जमालपुर चकले से बिलोंग करता हूँ। आपने जो कंपटीशन खेली, कौन सी कंपटीशन खेली है और कौन सा रैंक आया? अभी मैं जो लाइव खेल के आया, ठीक है, 3 दिन पहले वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन, ठीक है, वो स्टेट चैंपियनशिप थी, उसमें मेरा बॉडी बिल्डिंग के अंदर 75 kg वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल है और मैन फिजिक के अंदर वो हाइट पे होती है 168 से 172, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। और कितने कंपटीटर थे वहाँ पे, आपको किस तरह का मतलब कंपटीशन करना पड़ा? वहाँ अराउंड 150 से 200 कंपटीटर थे, ठीक है, और अलग अलग वेट कैटेगरीज थी, तो उसके अंदर फाइट थी सबके साथ अच्छे से। हेल्दी कंपटीशन रही? हाँ, हेल्दी रही। किस तरह का मतलब आपका वर्कआउट रहता है, किस तरह का डाइट रहता है, एक्सरसाइज रहता है? मेरा रेगुलर इवनिंग के अंदर 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ मैं 8 to 10, और मॉर्निंग मेरा कार्डियो फिक्स रहता है और डाइट मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। खास करके दूसरी बात ये भी कही जाए कि आप कितने वर्षों से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और आगे जाकर किस तरह का क्या खेलना है? मैं पहले स्पोर्ट पर्सन था, मैं जूडो खेलता था, ठीक है, फिर 2018 से मैंने फिटनेस इंडस्ट्री, ठीक है, चूज किया और फिर मैं ट्रेनर बना और अभी मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं ज़्यादातर मेरा काम पर्सनल ट्रेनिंग का है, तो मैं 2018 से वर्कआउट करता था और ये 2024 जनवरी फरवरी से मैंने कंपटीशन खेलना स्टार्ट किया। मैंने 7 to 8 टूर्नामेंट खेली हुई है, गुजरात केसरी है, मिस्टर गुजरात है सूरत में, गुजरात श्री है, फिर गुजरात केसरी खेली एंड अभी WFF वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन वो खेला और मेरे पास अभी तक के 4 से 5 अचीवमेंट है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, टॉप 5 में आया, टॉप 6 में आया। स्टेट खेले हो अब, क्या तुमको इंटरनेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, आगे गोल क्या है? मुझे इसके अंदर गोल ऐसा है कि मेरे को और आगे जाना है, ठीक है, मुझे स्टेट में जो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहाँ पे खेलना है, वहाँ पे रैंकिंग लाना है और नेशनल खेल लिए, इंटरनेशनल खेल लिए, तो मैं मेहनत करता रहूंगा, लगातार मेहनत करता रहूंगा, गिव अप नहीं करूंगा। आखिरी सवाल ये रहता है कि आज के यंगस्टर है 20-25-30 बरस के लड़के नशे में जा रहे हैं, लेकिन आपकी मतलब फिटनेस देख के लगता है, तो उनको क्या मैसेज दे जाए नौजवानों को? भाई सबको 1 घंटा तो वर्कआउट का टाइम करना चाहिए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा भी आप अपनी हेल्थ को दो, ठीक है, और अच्छे से न्यूट्रिशन लो, डाइट लो, ठीक है, और कब खाना है, कैसे खाना है, उसमें ध्यान दो। और मैं हेल्थ इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं सबको ज़्यादातर ये गाइड देता रहता हूँ कि भाई बाहर का खाना खाया करते हैं, घर का खाओ, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ और फिट रहो। फुल नॉनवेज हूँ, ठीक है, मैं एग्स, चिकन, मटन, फिश, मैं सब कुछ खाता हूँ। एंड कॉम्पिटिशन पीरियड जब हमारा होता है तो हमारे को 2 वीक पहले से काप्स और ऑयल बंद कर देना पड़ता है और वाटर इंटेक भी मतलब गिन के पीना पड़ता है और बहुत स्ट्रिक्टली रहता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता नहीं है तो एनर्जी नहीं रहती। अब उस पोजिशन के अंदर वर्कआउट करना है और बॉडी बनानी है और स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस देना है और अपना बेस्ट देना है। तो ये थे नईम खान, जिसने मात्र 29 बरस की उम्र में फिलहाल जो गोल्ड मेडल जीता है, अगर नेशनल और इंटरनेशनल भी देखना इन्हें खेलना है, इनका गोल यही है कि आगे जाकर इनको मतलब ओलंपिक्स है, इंटरनेशनल है, उसमें वेट लिफ्टिंग करना है। मेरा नाम सरफराज सौदागर है, मैं एथलेट जिम का ओनर हूँ और ये नईम खान पठान जो हमारे जिम में लास्ट 3 महीने से वर्कआउट करते हैं, इन्होंने अभी बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है, ये हमारे जिम के लिए बहुत फख्र की बात है। इनके कोच कौन है? इनके जो कोच है वो सालिक शेख है, जो इनका मतलब कि वर्कआउट प्लान है वो पूरा वर्कआउट प्लान भी वही करते हैं, इनका डाइट प्लान से सब कुछ वो सालिक शेख के अंडरटेकिंग में ये ट्रेनिंग लेते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं, तो इसका जो श्रेय है वो सालिक शेख को जाता है और ये हमारे जिम में लास्ट 3 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं। जूडो भी चला है? जी, हमारे यहाँ जिम में अभी एथलेट जिम में जूडो का भी सेंटर चालू हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चे सेल्फ डिफेंस के लिए सीखने के लिए हमारे जिम में आते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई बच्चों को जो है सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है, अभी की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप देखते होंगे रेप केस कितने हो रहे हैं अभी, लूट डकैती बढ़ रही है, तो खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस कराए, आपका बच्चा फिजिकली फिट भी रहेगा
और मोबाइल वगैरह से दूर रहेगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करानी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और फिटनेस को लेकर भी मैं कहूँगा कि भाई ये बहुत ज़रूरी है। अभी देखो आप यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर की बीमारी आ रही है, शुगर डायबिटीज़ की बीमारी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मतलब कि अभी जो खाना पीना ये वो फूड पब्लिक जो खा रही है जंक फूड वगैरह, इसको अवॉइड करना चाहिए और फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और डेली जिम में 1 घंटा वर्कआउट करना ही चाहिए, हर किसी को जिम में वर्कआउट करना ही चाहिए। खुद को मेंटेन रखना, फिजिकली फिट रखना बहुत ज़रूरी है।